भाई लोग, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सलकनपुर। तो भाई लोग, विजयशनी मंदिर लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। पहले लोग यहाँ पर मतलब सीढ़ियों से जाते थे, 1151 या 1200 कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। लेकिन अब जैसे मंदिर के ट्रस्ट ने वहाँ पर सड़क भी बनवा दी है और एक रोपवे की भी व्यवस्था कर दी है, तो अब मतलब वहाँ पर जाना बहुत ईजी है। मतलब आप अपनी कार से डायरेक्ट मंदिर तक के जा सकते। तो भाई लोग, यह मंदिर है ना लगभग 400 सालों से भी ज़्यादा पुराना मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर 400 सालों से मंदिर के गर्भगृह में दो ज्योति, जो मतलब अखंड ज्योति जिसको बोलते हैं, वो आज भी प्रज्वलित है, एक नारियल के तेल से और एक घी के तेल से। जाता है कि यहाँ पर पहले ना लोग आने में बहुत संकोच करते थे, मतलब हिंसक जानवरों और 64 योग योगिनियों के स्थान होने की वजह से यहाँ पर लोग आने में बहुत सोचते थे। तब स्वामी भद्रानंद ने यहाँ पर आकर तपस्या की कई सालों तक के, और 64 योग योगिनियों के लिए एक स्थान स्थापित किया, और फिर मंदिर के पास में एक धुने की स्थापना की और इस स्थान को चैतन्य किया। उसके बाद धुने में एक अभिमंत्रित चिमटा, जिसको है ना तंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर तली में स्थापित किया, और आज भी इस धुने की भव्यता को ही मुख्य रूप में दिया जाता है। तो भाई, अगर आप वहाँ पर सलकनपुर जब भी जाते हो ना, तो आप वहाँ से भव्यता का प्रसाद जरूर लेकर आना। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू शेरा वाली है, टूटी ये नाता शेरा वाली हो मैं। भाई लोग, सलकनपुर की है ना एक और खासियत है, यह श्रद्धा और आस्था का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। शेरा वाली पहाड़ा वाली जोता वाली मेहरा वाली मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटी माता शेरा वाली। यहाँ पर ना एक मान्यता है कि मतलब जैसे अपनी जो भी मन्नत है उसके लिए आप यहाँ पर एक धागा बांधो, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएंगी ना, उसके बाद में आपको यहाँ पर से जो धागा रहता है जो अपन बांधते हैं, या फिर कोई भी धागा एक छोड़ना रहता है। और भाई, मैंने आज सुना है कि यहाँ पर सभी लोगों की मन्नत मतलब पूरी होती है, तो आप भी एक बार जरूर जाना वहाँ पे। बिन बाती बिन दिया तू कैसे काटे घोर अंधेरा, बिन सूरज तू कैसे कर दे अंदर मन सवेरा, बिन धागों के कैसे जुड़ा है, बिन धागों के कैसे जुड़ा है बंधन तेरा मेरा, तू समझे या मैं समझूं कोई और समझ नहीं पाता, मैं बालक तू माता शेरा वाली शिरा। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है
शाम मैया तेरी चरणों में झुके, बादल भी तेरे पर्वत पे लगे, शैया तेरी हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चल। तो भाई लोग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चिखलदारा वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे भी जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर हमने बहुत फन किया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन जय माता दी, विजयासनी माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई।